मैं भी थोड़ी देर पहले आप लोगों को ये बता रही थी कि आप लोगों ने क्या वो मूवी देखी है जो अवतार थी और जो आप लोगों का वॉल्वरिन मूवी था। तो उस मूवी का जो पहला टारगेट था वो ये था कि म्यूटेंट लोगों को बताया गया उसमें। तो व्हाट इज म्यूटेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो, आप लोगों को पहले ये अंडरस्टैंड करना जरूरी है कि म्यूटेंट किसे बोलते हैं। तो म्यूटेंट हम लोग किसको बोलते हैं कि जिनमें म्यूटेशन हुआ रहता है, ठीक है, जिनमें म्यूटेशन हुआ रहता है। म्यूटेशन के उपरांत जो ऑर्गेनिजम्स में ऑर्गेनिज्म बनते हैं, जैसे कि अगर मेरे अंदर कोई म्यूटेशन हुआ, म्यूटेशन होने के बाद मेरे में कोई चेंजेस आए और वो चेंजेस से मेरी जान नहीं गई है, लेकिन लेकिन मैं म्यूटेशन मेरे में हुआ है प्रॉपर, वो असर दिख रहा है, और तो मैं म्यूटेंट कहलाऊंगी, ठीक है। जैसा कि आप लोगों ने वॉल्वरिन देखा होगा, वॉल्वरिन में क्या थे, उसके हाथों से जो है ब्लेड जैसे निकले थे, वॉल्वरिन का ये था, एक म्यूटेंट थे वो लोग। और कुछ उसमें बच्चों को भी दिखाया गया जो म्यूटेंट थे, जिनमें कुछ ना कुछ चेंजेस थे, कुछ बच्चे में बहुत ज्यादा ताकत आ गई थी, कुछ बच्चे में उड़ने की क्षमता। तो दैट इज, वो एक तो फिक्शनल है, मतलब बॉडी में म्यूटेशन हो गया तो वो एक काल्पनिक चीज थी। लेकिन अगर ये रियल लाइफ में हो, जैसे प्लांट में कभी म्यूटेशन होता है या किसी ऑर्गेनिज्म में म्यूटेशन होता है, देन व्हाट विल हैपन। तो यहाँ पर हम लोगों को उस पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है, ठीक है। म्यूटेंट का मतलब वो चीज होता है कि म्यूटेशन होने के बाद ऑर्गेनिज्म जो बन जाता है, अगर उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में, किसी पौधे में अगर म्यूटेशन हुआ है, उस म्यूटेशन होने के उपरांत तो वो पौधा अगर कुछ चेंज कर लेता है अपने में, जैसे उसकी पत्तियों का रंग अलग हो गया और वो वैसे ही रहेगा म्यूटेंट होने, तो वो म्यूटेंट कहलाएंगे। अगर ये चीज हो सकता है कि म्यूटेशन जब हो रहा है उस टाइम आपने कुछ ट्रीटमेंट दिया आपने उसको, जिसकी वजह से उसका जो म्यूटेशन था वो दूर हो गया, तो उस कंडीशन में म्यूटेशन आपने खत्म कर दिया, तो वो अलग चीज है। लेकिन म्यूटेशन के उपरांत म्यूटेशन हुआ है और म्यूटेशन का असर जारी है तो वो म्यूटेंट कहलाएंगे, ठीक है। तो ये पहले तो मैंने आप लोगों को यहाँ पर ये बताया कि व्हाट इज म्यूटेंट पहले, क्योंकि म्यूटेंट आप नहीं समझेंगे तो आप लोगों को चीजें समझ नहीं आएंगी, इसलिए मैंने म्यूटेंट का बताया। अब बात करते हैं हम लोगों का, जो हम लोग पढ़ रहे हैं अभी, जैसे कि मैंने अभी सिलेक्शन ऑफ हाइब्रिड सेल्स पढ़ाना स्टार्ट किया, जिसमें हम लोग जो बायोकेमिकल मेथड्स हैं उनके बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो बायोकेमिकल मेथड्स के अंतर्गत हम लोगों ने कल पहला मेथड देखा था। बायोकेमिकल मेथड में मैंने सबसे पहले आप लोगों को जो बताया था वो आप लोगों को था ड्रग सेंसिटिविटी, ठीक है। ड्रग सेंसिटिविटी बताने के बाद जो है आज जो सेकेंड नंबर हम लोग तो समझने वाले हैं वो है आप लोगों का ऑक्सोट्रॉफिक म्यूटेंट्स, ये क्या चीज है इसे देखते हैं। सेकेंड नंबर इज ऑक्सोट्रॉफिक म्यूटेंट। म्यूटेंट को लेकर एक बात और थी, मैम एक बात ऑक्सोट्रॉपिक हो गया, क्या बोल रहे हो, ऑक्सोट्रॉपिक मैम हो गया था। नहीं मैंने नहीं पढ़ाया है दिव्या, कल मैं पढ़ा दी थी क्या इसको, मैं को जहां तक याद है मैंने नहीं बताया था एक दूसरे को, पढ़ाए थे मैम, पूरा मैंने नहीं पढ़ाए थे मैम, आधा आधा पढ़ाई पढ़ाए थी, थे। हाँ आधा पढ़ाई थी, मतलब सिर्फ इंट्रो बस दी थी ना आप लोगों को मैं, और नहीं बताई थी। हाँ देखो, ऑक्सोट्रॉफिक म्यूटेंट जो है, ऑक्सोट्रॉफिक म्यूटेंट, एक म्यूटेंट को लेकर एक और बात भी है, जैसे अगर मुझ में म्यूटेशन कुछ हुआ है और मुझ पे उसका असर दिख रहा है, तो हो सकता है कि मेरे आने वाली जो जनरेशन रहेगी, मेरा जो ऑफस्प्रिंग रहेगा, जरूरी नहीं कि उसमें वो म्यूटेशन का असर दिखे, वो जरूरी नहीं है, वो डिपेंड करता है, ये चीज डिपेंड करती है। या फिर हो सकता है कई बार कि मैं नॉर्मल हूँ लेकिन मेरा जो ऑफस्प्रिंग है जिसमें म्यूटेशन हुआ है, वो उसमें म्यूटेशन हो गया, उस पे मेरा असर, उसके म्यूटेशन का मुझ पे कोई असर नहीं हुआ लेकिन, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि म्यूटेशन का असर ऑफस्प्रिंग में जाएगा या नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये ऑक्सोट्रॉफिक म्यूटेंट क्या है, अब इसे कोर अच्छे से समझते हैं, व्हाट इज ऑक्सोट्रॉफिक म्यूटेंट, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑक्सोट्रॉफिक म्यूटेंट्स क्या होते हैं, वो म्यूटेंट्स कहलाते हैं ऑक्सोट्रॉफिक म्यूटेंट जो आपका मिनिमल मीडिया में ग्रो नहीं कर पाते हैं। मिनिमल मीडिया मतलब क्या है, पहले तो ये समझिए आप लोग। मिनिमल मीडिया का मतलब होता है वो मीडिया, जैसे कि आप लोग नया मीडिया बनाते हैं तो आप लोग क्या यूज करते हैं, पेप्टोन, अगार, बीफ एक्सट्रैक्ट, NaCl, ये सब चीजें मिलाकर आपने मीडिया बनाया, आपने कुछ एक्स्ट्रॉर्डनरी चीज नहीं डाली उसमें, तो वो आपका नॉर्मल मीडिया कहलाता है, दैट इज कॉल्ड अ मिनिमल मीडिया। लेकिन आपने अपने मीडिया को रिच करने के लिए, अच्छा क्वालिटी लाने के लिए, अगर आपने कुछ एक्स्ट्रा एडिशनल चीजें डाली हैं जिससे उसके गुणों में वृद्धि हो, जिसके उसके जिसमें
उसमें कुछ चेंजेस आपको दिखे, हो सकता है उसका कलर चेंज हो जाए, कुछ ऐसा। हम लोग नैम मीडिया एकदम बेसिक पढ़ते हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे मीडिया होते हैं, ठीक है, जिनको यूज किया जाता है। जैसे कि सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो एमएस मीडिया है, जिसे पीटीसी में यूज किया जाता है, तो वो बहुत एडवांस मीडिया है क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें डली होती हैं। तो यहाँ ऑक्सोट्रॉपिक म्यूटेंट से क्या तात्पर्य है वो देख रहे हैं हम लोग। ऑक्सोट्रॉपिक म्यूटेंट वो होते हैं जो मिनिमल मीडिया में ग्रो नहीं कर पाते हैं। अगर नॉर्मल मीडिया हम उनको प्रोवाइड करें तो वो ग्रो अच्छे से नहीं कर पाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर इनके लिए हम क्या करें फिर, तो इनके लिए करना ये होता है कि मिनिमल मीडिया में कुछ स्पेसिफिक कंपाउंड को हम ऐड करते हैं, ठीक है, कुछ स्पेसिफिक कंपाउंड को हम ऐड करते हैं मिनिमल मीडिया में, जिसके फलस्वरूप जो है वो थोड़ा सा रिच हो जाता है। नॉर्मल नैम मीडिया ही है, नैम मीडिया में कुछ एक्स्ट्रा चीजें डाल रहे हैं आप, तो वो उसको स्पेशल बनाएगा। अब आप खीर बना रहे हैं घर में, दूध, चावल, शक्कर, ये तीन चीजों से खीर मिलती है, खीर बनती है आपकी। आपने ड्राई फ्रूट डाला तो वो रिच हो गया, आपने मिल्क मेड डाला तो वो और रिच हो गया, आपने गुलाब की पंखुड़ी डाल दी तो सुंदर दिख रहा, और रिच हो गया। तो जितनी ज्यादा चीजें स्पेसिफिक कंपाउंड्स डलती हैं चीजों में, वो उसको स्पेशल बनाती है, उसकी प्रॉपर्टी को इंक्रीज करती है। तो मिनिमल मीडिया में जबकि ये ग्रो नहीं करते हैं, जो ऑक्सोट्रॉफिक म्यूटेंट रहते हैं। अब ये क्या है, स्पेसिफिक कंपाउंड अगर हम ऐड कर दें अपने मीडिया में, तो हमारा मीडिया क्या हो जाएगा, स्पेशल बन जाएगा, जिसमें ये क्या होने लग जाएंगे, जिनकी रिक्वायरमेंट इन्हें रहती है। स्पेसिफिक कंपाउंड अगर हम ऐड कर देते हैं तो फिर हमारा जो ये ऑक्सोट्रॉफिक म्यूटेंट है उसमें ग्रो करने लग जाएगा, ठीक है। अब ये तो ऑक्सोट्रॉफिक म्यूटेंट का पता चल गया, अब आगे देखते हैं इसके एग्जाम्पल्स के रूप में इसमें क्या बताया गया है। तो यहाँ पर एक नाम दिया गया है, नाइट्रेट रिडक्टेस डिफिशियंट म्यूटेंट्स ऑफ टोबैको। जो आपका टोबैको है, मतलब जो तंबाकू का पौधा है, टोबैको का ही आपका एक जो टाइप है, नाइट्रेट रिडक्टेस डिफिशियंट म्यूटेंट, मतलब टोबैको का ही एक म्यूटेंट बना हुआ जो पौधा है, उसका नाम क्या बताया गया है, नाइट्रेट रिडक्टेस डिफिशियंट म्यूटेंट, नाइट्रेट रिडक्टेस डेफिशियंट म्यूटेंट, ठीक है। ये जो क्या चीज है, नाइट्रेट रिडक्टेस डेफिशियंट म्यूटेंट, ये तंबाकू के पौधे का ही म्यूटेंट वाला पार्ट है, मतलब तंबाकू के पौधे में म्यूटेशन हुआ कुछ, जिसके उपरांत ये बना है, तो ये आपका म्यूटेंट है, ठीक है, ये म्यूटेंट है। म्यूटेंट एकदम ध्यान से सुनेंगे एक एक स्टेप को। अब ये जो म्यूटेंट है ये होता क्या है इसमें, तो ये जो है हम लोग जानते हैं, ये साइंटिस्ट लोगों ने बताया कि ये जो नाइट्रेट रिडक्टेस डेफिशिएंट म्यूटेंट होता है, ये जो है टोबैको का ही म्यूटेंट वाला रूप है, ये हम लोगों को पता है, ये नोन है, ठीक है। अब द पेरेंटल टोबैको, लेकिन जो एक्चुअल टोबैको होता है ये तो म्यूटेंट वाला फॉर्म है, जो म्यूटेशन के उपरांत बना है, लेकिन जो इसी का ही जो पेरेंट टोबैको है, मतलब जो नॉर्मल टोबैको था, ये एंड टोबैकम ना, इसका साइंटिफिक नेम एंड टोबैको मैंने लिख दिया है, एंड टोबैकम नाम होता है, टोबैको का म्यूटेंट वाला पार्ट का नाम है नाइट्रेट रिडक्टेस डेफिशिएंट म्यूटेंट, लेकिन ये जो है म्यूटेंट वाले पार्ट का नाम है। लेकिन अगर इसी के ही पेरेंट की बात की जाए, जो नॉर्मल वाला टोबैको प्लांट है वो दूसरा है, ठीक है। द पेरेंटल टोबैको, द पेरेंटल प्रोटोप्लास्ट ऑफ सच स्पीशीज कैन नॉट ग्रो विद नाइट्रेट एज द होल सोर्स ऑफ नाइट्रोजन विद द विद वाइल द हाइब्रिड्स कैन ग्रो। अब ये जो पेरेंट वाले टोबैको थे, इनमें एक चीज पाई जाती थी कि कभी भी अगर नाइट्रोजन का सोर्स इन्हें मिलता था, इन्हें इनके पेरेंट्स को जो नॉर्मल वाले टोबैको रहते थे, जब कभी भी इन्हें नाइट्रोजन वाला सोर्स मिलता था, नाइट्रोजन के सोर्स के रूप में जब कभी भी इन्हें नाइट्रेट मिलता था, तो ये ग्रो नहीं कर पाते थे। कौन? पेरेंट टोबैको, जो कि नॉर्मल वाले टोबैको प्लांट थे। लेकिन इनके जो म्यूटेंट आए, जो कि हाइब्रिड हुए, नाइट्रेट नाइट्रेट रिडक्टेस डिफिशियंट म्यूटेंट, ठीक है, जो मैंने जस्ट अभी थोड़ी देर पहले बताया, ये इसका कौन सा वाला पार्ट है, ये इसका म्यूटेंट वाला भाग है, ये ग्रो नहीं करेगा इसको अगर नाइट्रेट मिलेगा तो, पेरेंट जो थे वो। लेकिन नाइट्रेट की उपस्थिति में ये ग्रो होना चालू हो गए, तो मतलब पेरेंट में कमी थी कि नाइट्रोजन की उपस्थिति में ग्रो नहीं करता था, लेकिन उनका जो म्यूटेंट वाला पार्ट है वो नाइट्रोजन की उपस्थिति में अच्छे से ग्रो कर रहा है, तो ये एक चेंज दिखा जो म्यूटेंट वाले पार्ट में था।
ये चीज मैं आप लोगों को बताना चाह रही थी कि जरूरी नहीं है कि जो चीज पेरेंट्स में है वो चीज जरूरी नहीं है कि बच्चे में ट्रांसफर हो, ठीक है। तो उसका जो म्यूटेंट वाला जो पार्ट है, जो हाइब्रिड वाला पार्ट है, वो नाइट्रेट में ग्रो कर रहा है, नाइट्रोजन के सोर्स के साथ ग्रो कर रहा है, लेकिन जो पेरेंट टोबैको है वो ग्रो नहीं कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको समझने के लिए एग्जाम्पल दिया गया, क्या एग्जाम्पल है उसे देखते हैं। तो यहाँ पर दो प्रजाति के प्रोटोप्लास्ट लिए गए। एक जो प्रजाति थी उसका नाम था नाइट्रेट रिडक्टेस, नाइट्रेट रिडक्टेस डेफिशिएंसी, नाइट्रेट रिडक्टेस डेफिशिएंसी वाला प्रोटोप्लास्ट हमने एक लिया, ठीक है। दो स्पीशीज हमने लिए, नाइट्रेट रिडक्टेस डेफिशिएंसी वाला, जो कि हमने कैसे उत्पन्न किया है, जिसमें आपका एपो एंजाइम उपस्थित नहीं है, लैक ऑफ एपो एंजाइम। एक एक वर्ड को ध्यान से सुनना है तभी समझ आएगा। ये लैक ऑफ एपो एंजाइम है, ये जो नाइट्रेट रिडक्टेस की डेफिशिएंसी वाला हमारे पास है जो प्रजाति, उसमें एपो एंजाइम नहीं है, लैक ऑफ एपो एंजाइम, ठीक है। जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोल रहे हैं, निया टाइप म्यूटेंट। ये म्यूटेंट ही है, लेकिन ये कौन सा म्यूटेंट है, निया टाइप म्यूटेंट, ठीक है। एक तरफ हमने ये लिया और दूसरी तरफ हमने क्या लिया, जो कि है हमारा, ये भी आपका क्या है, लैक ऑफ मॉलिब्डेनम कोफैक्टर, जो कि हमने लिया है लैक ऑफ मॉलिब्डेनम कोफैक्टर, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में बोल रहे हैं आपका सीएनएक्स टाइप म्यूटेंट, ठीक है। ये भी हमारा नाइट्रेट रिडक्टेस डेफिशिएंसी वाला ही है, ठीक है। यहां लिख देती हूँ ताकि कंफ्यूजन मत रहे, नाइट्रेट रिडक्टेस डेफिशिएंसी। ये दो हमने नाइट्रेट रिडक्टेस डेफिशिएंसी की प्रजातियां ली हैं, लेकिन एक में एपो एंजाइम नहीं है और दूसरे में आपका मॉलिब्डेनम का कोफैक्टर नहीं है, ठीक है। एक है आपका निया टाइप म्यूटेंट है और एक है आपका सीएनएक्स टाइप म्यूटेंट। दोनों के लिए शॉर्ट फॉर्म एक नाम दे दिया गया है। ये दोनों साइंटिस्ट लोगों को पता है ये प्रजातियां होती हैं, इन दोनों का एग्जाम्पल देके उन्होंने बताया है, ठीक है। द पेरेंटल प्रोटोप्लास्ट कैन नॉट ग्रो नाइट्रेट मीडियम, इनके इन दोनों के जो पेरेंट प्रोटोप्लास्ट हैं जिनसे ये उत्पन्न हुए हैं, वो आपके ग्रो नहीं कर सकते नाइट्रेट के साथ, ठीक है। नाइट्रेट मीडियम कैन नॉट ग्रो ऑन नाइट्रेट मीडियम व्हाइल द हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट आर ग्रो, जबकि इनके जो हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट है वो ग्रो कर सकते हैं। वो कैसे ग्रो करेंगे, आपने नाइट्रेट रिडक्टेस डेफिशिएंसी वाला जिसमें लैक ऑफ एपो एंजाइम है, इसका आपने प्रोटोप्लास्ट ले लिया, ठीक है। अब आपने ये वाले का सीएनएक्स टाइप वाले का भी आपने प्रोटोप्लास्ट अलग कर लिया, ठीक है। अब आगे क्या होगा देखते हैं। अब आपने इसका ले लिया प्रोटोप्लास्ट, इसका भी ले लिया प्रोटोप्लास्ट, निया वाला ले लिया, सीएनएक्स वाला प्रोटोप्लास्ट ले लिया। अब आप क्या करेंगे, दोनों को फ्यूज कराएंगे। दोनों के फ्यूजन के परिणाम स्वरूप जो है, आपने जो फ्यूजन कराया, लेकिन फ्यूजन में आपने कौन सा मीडिया यूज किया, मिनिमल मीडियम यूज किया आपने। यहाँ पर एक मीडिया यूज किया जो वो था आपका मिनिमल मीडियम,
मिनिमल मीडिया जिसमें आपका नाइट्रेट था, विथ नाइट्रेट। और आपको पता है कि नाइट्रेट के साथ वो ग्रो नहीं होंगे जो आपके पेरेंट वाले थे, लेकिन यहाँ पर हमारे पास नाइट्रेट रिडक्टेस डेफिशिएंसी वाले हैं, तो देखते हैं क्या होगा आगे। हमने इन दोनों को फ्यूज कराने के लिए जो मीडिया यूज किया है वो हमने मिनिमल मीडिया यूज किया है जिसमें नाइट्रेट उपस्थित है। अब क्या होगा, जो आपका ये वाला जो था नाइट्रेट रिडक्टेस डेफिशिएंसी निया वाला, उनमें कोई भी डिवीजन नहीं होगा, नो डिवीजन, कोई डिवीजन नहीं होगा, कोई सेल डिवीजन नहीं होगा, ना तो वो बढ़ेंगे, और नो ग्रोथ, कोई भी ग्रोथ भी नहीं होगा। सिर्फ अगर इसका बात किया जाए तो, अगर सिर्फ इसी को हम मिनिमल मीडिया जो नाइट्रेट के साथ है उसके साथ रखें तो उनमें कोई डिवीजन नहीं होगा ना ग्रोथ होगा, ठीक है। अब अगर सिर्फ हम सिर्फ इसी को ही अगर हम जो CNX टाइप वाला म्यूटेंट है इसको भी अगर हम मिनिमल मीडिया नाइट्रेट के साथ वाले में ग्रो करवाने की कोशिश करें तो इनमें भी कोई डिवीजन नहीं दिखेगा, कोई ग्रोथ नहीं दिखेगी, ना ग्रोथ ना डिवीजन। ये हम लोग सिर्फ इन दोनों को अकेले अकेले लेकर देखे हैं। अब हम क्या करेंगे देखते हैं। हमने अभी अकेले अकेले में ग्रो करा के देखा है मिनिमल मीडिया के साथ। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को फ्यूजन करवाएंगे, और फ्यूजन कराने के बाद जो हमको प्रोटोप्लास्ट प्राप्त होगा उसे हम इस मिनिमल मीडियम विथ नाइट्रेट के साथ हम लोग ग्रो करवाने की कोशिश करेंगे। तो ग्रो कराने के उपरांत यहाँ दिखेगी हमको कॉलोनीज। तो देखिए आप लोग इससे क्या समझ रहे हैं कि आपका जो पेरेंट था, आपका ये जो दोनों पेरेंट हैं, इन दोनों पेरेंट में इसमें और इसमें आपका कुछ कॉलोनीज नहीं आया नाइट्रेट के साथ वाले में, लेकिन इन दोनों को फ्यूज कराने के बाद जो आपने नया प्रोटोप्लास्ट विकसित किया, नया प्रोटोप्लास्ट जो आपने विकसित किया ये तो ग्रो कर रहा है। मतलब पेरेंट जो है वो ग्रो नहीं कर रहे थे, लेकिन उनकी जो बनने वाले फ्यूजन के उपरांत जो बनने वाले ऑफस्प्रिंग बना वो ग्रो करने लगा और उसमें कॉलोनीज आ गई। बाकी में तो डिवीजन दिखा ही नहीं पेरेंट वाले में, लेकिन दोनों के फ्यूजन के उपरांत जो नया बना उनमें ग्रोथ भी हुई और उनमें डिवीजन भी हुआ। इसके फलस्वरूप कॉलोनीज बनी, और कॉलोनीज बनने के बाद उसमें कैलस का निर्माण हुआ। कैलस के निर्माण होने के बाद कैलस ही आगे जाके आपका हाइब्रिड पौधा बनाया, हाइब्रिड प्लांट, ठीक है। तो ये चीज हुई आपके, यही चीज आपका क्या बताया जा रहा है, ऑक्सोट्रॉफिक म्यूटेंट एक सिलेक्शन का प्रोसीजर है जो कि इज पॉसिबल ओनली इफ द हाइब्रिड सेल्स कैन ग्रो ऑन ए मिनिमल मीडिया, और ये तभी प्रोसेस होती है। ये जो इसमें सिलेक्शन प्रोसीजर हमने के जरिए हमने ये जाना, आप लोग हम लोग किसके अंतर्गत पढ़ रही है सब चीजें, कि हमने बहुत सारे प्रोटोप्लास्ट को ले लिया है एक साथ और हमको उसको छांटना है, उसको आइसोलेट करना है जो फ्यूज होके हाइब्रिड बनाए हैं। तो जो हाइब्रिड वाले रहेंगे वो नॉर्मल मिनिमल मीडिया जो नाइट्रेट के साथ रहेगा उसके साथ ग्रो कर लेंगे, लेकिन जो बिना डेफिशिएंट वाले रहेंगे वो लोग ग्रो नहीं कर पाएंगे। जो फ्यूजन वाले हैं सिर्फ वही ग्रो करेंगे। तो इसके जरिए भी हम पता लगा सकते हैं कि हमारा फ्यूजन वाला कौन सा है, ठीक है। अनदर लिमिटेशन ऑफ द टेक्निक इज द पॉसिटी ऑफ हायर प्लांट ऑक्सोट्रॉफ। इसमें लेकिन एक सीमा है, एक सीमा सी लिमिटेशन है कि जो हायर प्लांट जो बड़े बड़े पौधे होते हैं उनके लिए ये अप्लाई नहीं हो पाता है, उनमें ये टेक्निक काम नहीं कर पाती है, रुक जाती है बीच में ये टेक्निक जो ये प्रोसेस चलते चलते में। तो ये आपका था ऑक्सोट्रॉपिक म्यूटेंट का एग्जाम्पल, देके मैंने आप लोगों को बताया कि किस प्रकार से आप लोगों का कार्य करता है जो सिलेक्शन का प्रोसीजर, आप किस प्रकार से सेलेक्ट कर सकते हैं आपके फ्यूज्ड वाले प्रोटोप्लास्ट को, ठीक है। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा, सबको क्लियर है ये ऑक्सोट्रॉपिक म्यूटेंट वाला, क्लियर है बच्चे लोग, सब लोग बताइए। यस मैम। चलिए तो आप लोग का जो आज मैं इतना ही क्लास लूंगी क्योंकि टाइम भी हो गया है, तो यहीं पर हम लोग खत्म करते क्लास को। आप लोग का एक मेथड जो इसके बाद है वो विजुअल मेथड बच गया है, और क्योंकि बायोकेमिकल मेथड के अंतर्गत हमने दो पढ़ा, एक ड्रग सेंसिटिविटी
और एक हमने ऑक्सोट्रॉफिक म्यूटेंट जो अभी पढ़ा, इसके बाद यहाँ पर आपका बायोकेमिकल मेथड खत्म हो गया। इसके बाद जो सेकंड मेथड है विजुअल मेथड, वो आप लोगों का आएगा। विजुअल मेथड के अंतर्गत आप लोगों को दो चीजें देखनी है, और उसके बाद जो थर्ड मेथड है वो है साइटोमेट्रिक मेथड। मेन मेजर तीन है ना, मेजर तीन है। कौन कौन से हैं आपका? एक विजुअल है, एक आपका बायोकेमिकल है, और आपका एक है आपका साइटोमेट्रिक। जिसमें से हम लोगों ने अभी कौन सा वाला कंप्लीट कर लिया? ये बायोकेमिकल वाला कंप्लीट कर लिया। साइटोमेट्रिक वाला जो है हम लोग पढ़ेंगे, वही विजुअल हमारा बचा हुआ है, साइटोमेट्रिक बचा है, बायोकेमिकल कंप्लीट हो गया है हमारा। बायोकेमिकल के अंतर्गत ही हम लोगों ने ड्रग सेंसिटिविटी और ऑक्सोट्रॉपिक म्यूटेंट को पढ़ा। ठीक है, कल हम लोग विजुअल मेथड पढ़ लेंगे और साइटोमेट्रिक मेथड कंप्लीट कर लेंगे, जहां पर ये हमारा सिलेक्शन प्रोसीजर खत्म हो जाएगा, सिलेक्शन ऑफ हाइब्रिड सेल्स खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग डायरेक्ट आ जाएंगे साइब्रिड्स में। सिमेट्रिक एंड एसिमेट्रिक हाइब्रिड पढ़ाऊंगी, साइब्रिड पढ़ाऊंगी, साइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे, फिर अपना खत्म। बस एप्लीकेशन पढ़ने के बाद कि सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन क्या है, आप लोगों का यहीं पर फिर खत्म हो जाएगा। ठीक है, यस मैम। एक बार आप लोगों का सिलेबस भी